एक स्टार्स ट्विंकल क्यों कहते हैं? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आराम से बैठ जाइए, पंखा चलाइए, बिस्तर पर कहीं भी बैठना और आराम से इस वीडियो को देखिए कि स्टार्स ट्विंकल कैसे करते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियोस हमारे देखिए, जितना से जितना नॉलेज हो सके आप उतना गेन कीजिए, मतलब बढ़ाइए। तो उससे उस टॉपिक पर जाने से पहले हमें दो और चीज़ें पढ़नी होंगी कि रे ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू रे ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है? रे ऑफ इंसिडेंट वो होता है जैसे हमने एक बल्ब जलाया तो उससे एक लाइट आ रही है, मतलब रे आ रही है, रे ऑफ लाइट। अगर आपको रे नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि रे एक ऐसा वो हो, एक लाइन टाइप का होता है, एक एंडिंग पॉइंट भी होता है। यहाँ एक एंडिंग पॉइंट है, वो एक डायरेक्शन में चलता जाता है, यहाँ से शुरू होता है, चलता जाता है। वैसे ही सन का रे, लाइट का रे, तो लाइट का जैसे रे आया फिर वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट करता है, तो ये जैसे ऐसे आया तो बिल्कुल ऐसे ही करेगा रिफ्लेक्ट, ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधा। ये देखिए आप पिक्चर पीछे, ऐसा ही होता है। तो स्टार्स इसलिए ट्विंकल करते हैं। और उससे पहले एक और चीज़ कि हमें अपने एटमॉस्फेयर के बारे में जानना होगा, तो एटमॉस्फेयर का सारा डिटेल्स एक वीडियो में मैंने बनाया, वो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा और मैं थोड़ा बहुत उसमें बता दूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको डिटेल में एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में जानना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। स्टार्स ट्विंकल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर में बीच में आता है, उसके वेरिएशंस मतलब चेंज, जब स्टार लाइट मतलब स्टार की जो लाइट है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तब उसके विंड से वो इफ़ेक्ट हो जाता है। उसके जैसे हम जितना ऑल्टीट्यूड मतलब जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जितना ही हम मतलब ऊपर नीचे जाते हैं तो डेंसिटी लो और बढ़ता है, ठीक है। तो इस वजह से स्टार लाइट को ट्विंकल करना पड़ता है और वो रिफ्रैक्ट हो जाता है और इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन वो होता है जैसे आप सोच सकते हैं ये लाइट आई और ये ऐसे आ रही है तो ऐसे जल लीजिए। तो आपको ये जानने के लिए आपको मैं एक पीछे पिक्चर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप पिक्चर, यहाँ पेंसिल भी देख सकते हैं, यहाँ पेंसिल आपने देख लिया है, तो पेंसिल ऐसे रखा हुआ है और वो टूटी हुई दिख रही है जैसे टूट गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट जो आ रही है उसने अपना ऐसे जाकर ऐसे पाथ नहीं चेंज किया, जबकि ऐसे आकर ऐसे चेंज कर दिया दूसरे ही डायरेक्शन में। इस फिगर से आपको पता लग जाएगा, इस पिक्चर से आप देख सकते हैं पीछे एंड बैकग्राउंड में लगाए हुए। तो एक सवाल आपके मन में ज़रूर आता होगा कि सन हमारा क्यों नहीं ट्विंकल करता। सन हमारा ट्विंकल इसलिए नहीं करता क्योंकि वो हमारा पास कटा रहा है, बिल्कुल पास है, और जो दूर के तारे हैं वही ट्विंकल करते हैं। जैसे दूर के तारे, सिर्फ सन ही नहीं ट्विंकल करता क्योंकि वो हमारे पास है और वो रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है उसका, इस वजह से वो ट्विंकल नहीं करता। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।